बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एट बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम सबक नंबर 3, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। मशकी सवालात नंबर 2 MCQs ये करेंगे। मुल्क शाम से गल्ले के लदे हुए ऊँट मदीने आए, इसका ऑप्शन है 1000। दूसरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर अपना माल राय खुदा में पेश किया, इसका जवाब है सारा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ताजरों ने नफ़े की पेशकश की 2 गुना। और चौथा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर अपना माल राय खुदा में पेश किया, निस्फ को टिक कर दिया। सवाल नंबर 3 है, दर ज़ेल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। लिख लें कारामद मुफीद। दूसरा है खातिर ख्वा काबिल ज़िक्र। तीसरा है इसार कुर्बानी। सखावत फयाजी। अपाहज माजूर। नज़ीर मिसाल। सवाल नंबर 4 है, इस सबक में मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज ज़ेल मुख्तलिफ ताज़ीमी अलकाबात इस्तेमाल हुए, आप इनके मायनी तहरीर कीजिए। पहले का लिखें ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले, मुराद आखिरी नबी। दूसरा है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, दोनों लिख सकते हो। तीसरा है सरवर कायनात, इसका मायने है सारी दुनिया के सरदार। चौथा है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के लिए रहमत। अगला सवाल है मुतजाद लिखे और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले आप इनके मुतजाद लिख लें, फिर मैं जुमले भी आपको बताता हूँ, कोशिश कीजिएगा ख़ुद बनाएं। मखलूक का लिखें खालिक, खुशगवार नागवार, बुलंद पस्त छोटा यानी खुश्क तर, सखावत बुखल कंजूसी जिसको कहते हैं, इंसानियत हैवानियत। अब इसमें जो आपने जुमले बनाने, वो जो ये लफ्ज़ दिए मखलूक खुशगवार बुलंद खुश सखावत इंसानियत, इनके जुमले आपने बनाने हैं। मखलूक का बना ले, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक है। खुशगवार का आज मौसम बहुत खुशगवार था। बुलंद, कराक्रम के पहाड़ बहुत बुलंद हैं। खुश्क जगह पर बैठो, गीली जगह पर मत बैठो। सखावत, हज़रत उस्मान गनी रज़ील्ला ताना ना बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। इंसानियत, हम सबको चाहिए कि हम इंसानियत का एहतराम करें। अच्छा, अब इनके जो मुखालिफ अल्फाज हैं उनको भी अगर आप चाहें तो खालिक का मिसाल है मखलूक था, उसका मैं मुतजाद खालिक, तो इसका भी आप जुमलों में इस्तेमाल कर। नागवार, मुझे एक नागवार सी स्मेल आई या बू आई, ये भी हो सकता है। मखलूक खालिक का लिख ले, अल्लाह हमारा खालिक है, हम अल्लाह की मखलूक हैं, ये भी हो सकता है। पस्त, पस्त किसी के पस्त कद पर हंसना नहीं चाहिए। इसी तरह तर का जुमला जो वो ऐसी बना दे, गीला तर जगह पर मत बैठो। सखावत बुखल इस्लाम में जायज़ नहीं है। इंसानियत हैवानियत, इंसान जब गलत काम करता है तो हैवानियत से नीचे चला जाता, वो एक हैवानियत का नमूना पेश करता है। तो ये आप इसको ख़ुद भी बना सकते, ज़रूरी नहीं कि मेरे ये अल्फाज आप लिखें, आप ख़ुद भी इसे कर सकते हैं। बार बार आपको ताकीद कर रहा हूँ कि कॉपी पे इसको लिखें ताकि आपकी लिखने की जो पावर है वो बेहतर हो सके। उम्मीद है कि आप इसको कर रहे होंगे और इंशाल्लाह दुआ करें कि ये कोरोना की वबा से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए और हमारे स्कूल खुलें और हम तरतीब से जिस तरह से आते हैं उस तरह से पढ़ें। एहतियात कीजिएगा बेटा, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।